Hello everyone, I am Shivam, the owner and founder of Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are planning to prepare for SRCC GPO exam, because the notification of this exam is finally out. So guys, ये exam आपका 7th March 2022 को है इस बार, ठीक है? हमेशा exam आपका Feb end में होता था, last year 6th March को होता है, इस बार 7th को है. तो अच्छी बात ये है कि you have too much time to prepare. आपके पास अच्छा खासा time है preparation करने के लिए, and structure में करोगे तो आपका हो जाएगा preparation, कोई issue नहीं है. बात करने का इस पैटर्न की, तो बाकी कोई चेंजेस नहीं है. आपके जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 27 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है. मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे सब नोटिफिकेशन है. तो ये जो नोटिफिकेशन आया है वेबसाइट में, इनकी ऑफिशियल आया, ठीक है, एंड नंबर ऑफ सीट्स में 90 है. ये बाइफर्केशन यू कैन सी, ठीक है. तो गाइस, मैटर नहीं करता नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, मैटर करता है कितने बच्चे बैठते हैं, ठीक है. यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 to 8,000 स्टूडेंट्स बैठते हैं, ठीक है. काफी बच्चे नहीं बैठते हैं बिकॉज एग्जाम लेट होता है, काफी लोगों को होता है कि उनको टॉप 25 में जाना है. काफी अपने अपने सबका अलग होता है, क्योंकि जो फ्रेशर होगा एक बार ट्राई करेगा और कैट के लिए, दैट इज व्हाई मेनी स्टूडेंट्स डोंट सिट. अच्छी बात यार एग्जाम की क्या है गाइस, कि ये एग्जाम ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आपको 4 to 5 lakh की फीस में यू गेट अ पैकेज ऑफ 9 to 10 lakhs. बाकी आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, बट काफी डिसेंट है. मेरा मानना है कि अगर किसी का टॉप 25 नहीं मिलता है तो उसको ये एग्जाम जरूर देना चाहिए, क्योंकि आपका आपके ऊपर कोई लोन नहीं रहेगा. बिना लोन के यू कैन गेट अ पैकेज ऑफ एटलीस्ट 8 to 9 lakhs, ठीक है. फिर हम नीचे डेट्स देख लेते हैं इसकी. पैटर्न वगैरह सेम है पूरा, इंग्लिश वीआरसी कॉन्स एलआर एंड डीआई जैसे बोला था वैसे ही है. 40-40 क्वेश्चन सब में आएंगे, एंड 75% वेटेज आपका रिटन टेस्ट का होता है, 25% आपका वेटेज होता है जीडीपीआई का. 2 साल से जीडीपीआई नहीं हो रहा है, पूरा पूरा वेटेज आपका स्कोर का ही हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कोरोना की वजह से. और इवन यहाँ पे भी लिखा हुआ है नीचे, इन्होंने देखो आप यहाँ भी लिखा हुआ है अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस में, यहाँ पे इस बार भी नहीं होगा अगर कोविड में गड़बड़ हो गया कुछ तो, ठीक है. तो जीडीपीआई केस, जीडीपीआई नहीं होगा उस केस में, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है. ये चीज है. बाकी मैं आपको डेट दिखा दूं, यहाँ पे देखो लिखा भी है 7th मार्च डेट 3 to 5 PM. 2 घंटे पेपर होता है, 160 क्वेश्चंस होते हैं, 160 क्वेश्चंस 2 आवर्स पेपर, ठीक है. 40 क्वेश्चंस ईच प्लस 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड माइनस 1 फॉर नेगेटिव रॉन्ग आंसर. लास्ट ईयर सेफ स्कोर था फाइनल कन्वर्ट के लिए 357, ठीक है. यह उन्होंने निकाला था जनरल के लिए, 357 स्कोर पे आपको आ गया था, ठीक है. बाकी आप देख सकते हो ये कुछ सेंटर्स से कहाँ पे आपका टेस्ट होगा, तो आप यहाँ पे इसको पॉज करके देख लेना, ठीक है. बाकी तो मैं वीडियोस बनाऊंगा इसमें अभी, ठीक है, कि कैसे कैसे आपको टेस्ट की गाइडलाइंस वगैरह क्या है. तो गाइस मेन चीज ये है कि आप लोग, अच्छी बात क्या है इस एग्जाम की, ये एग्जाम में कुछ नई चीज नहीं आती है. मतलब स्नैप टिस्नेट सीईटी सीमैट एसआरसीसी ये सारे एग्जाम में क्वांट्स एलआरडीआई वीआरसी सबको सेम रहता है, ठीक है. पेपर आपका स्पीड बेस्ड होता है, और मेन चीज रियल एग्जाम की क्या है कि क्वेश्चन सारे टफ नहीं आएंगे, क्वेश्चन नॉर्मल आएंगे, बट आएगा सब कुछ, कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप. तो गैस काफी लोग का स्ट्रेटेजी क्या रहती है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने की, जस्ट कीप ऑन टेकिंग मॉक्स, वो ज्यादा से ज्यादा मॉक्स देते हैं. बट गैस अगर आपने वैरायटी कवर नहीं की तो मॉक्स देने का फायदा नहीं होगा ज्यादा, बिकॉज आप ला नहीं पाओगे. और आपको अच्छा से अच्छा स्कोर टारगेट करना चाहिए, तो उसका एक इंपॉर्टेंट तरीका क्या है, वैरायटी करो, ठीक है. सो दोज आर लुकिंग फॉर एसआरसीसी जीपीओ प्रिपरेशन, दे कैन चेक आउट ओवर लाइव क्लास कोर्स. एक एक चीज आपको जूम पे पढ़ाई जाएगी डिटेल में, ठीक है. मैं आपको डिटेल्स दिखाता हूँ उसकी. ये आपको वेबसाइट मिल जाएगी हम लोग की, mockzone.in/SRCC में. लास्ट ईयर अपने यहाँ से 25 में से टॉप 8 बच्चे थे, टॉप 8 रैंकर स्टार्टिंग के, ठीक है, उनका था. बट लास्ट ईयर हम लोग कोई लाइव क्लास नहीं लेते थे, इस बार एक ही चीज लाइव पढ़ाई जा रही है. तो दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग लॉट मोर रिजल्ट्स, क्योंकि हम लोग कोई वैरायटी छोड़ते ही नहीं है. सबकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, हफ्ते में 4 से 5 क्लास होंगी, थ्योरी हैंड आउट प्रैक्टिस शीट पूरी ई बुक मिलेगी, 550 टॉपिक टेस्ट होंगे, 6 SRCC जीपीओ के फुल लेंथ मॉक्स होंगे, ठीक है. एंड हम लोग 2-3 साल के पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो ये जो कोर्स होगा आपके सीमैट एंड टेस्ट में भी हेल्प करेगा आपको, ठीक है. तो जीके नहीं आती इसमें, उसमें जीके आती है, बाकी सब कुछ सेम ही होता है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया. और क्योंकि टाइम कम है इसलिए अभी जो लाइव चल रहा है, 16 दिसंबर से बैच स्टार्ट हुआ, लेट नहीं हुआ है, नंबर स्टार्ट किए, नंबर्स की जो क्लासेस चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं. उस अपार्ट फ्रॉम दैट हमने आपको जो पोर्टल देने वाले हैं वहां पे जो क्लासेस लास्ट बैच की हो चुकी हैं, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिकल जबरा, उन सबकी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी है, क्योंकि काफी बच्चे स्मार्ट होते हैं, वो चाहते हैं कि पहले से पढ़ के रखें, आगे हम सब कुछ कराएंगे, बट स्टिल, ठीक है. तो कोई अगर वाकई एसआरसीसी जीपीओ में जाना चाहता है, एक ढंग से करना चाहता है प्रिपरेशन, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एक प्रॉपर मैनर में करोगे तो हो जाएगा. हम लोगों ने कोई वैरायटी छोड़ी नहीं है इसमें, मतलब फॉर्मेलिटी नहीं करते हम लोग, जैसे ज्योमेट्री की ही 13 क्लासेस हुई हैं, उसके अलावा कुछ सोच नहीं सकता एसआरसीसी, ठीक है. पीएनसी प्रोबेबिलिटी की 10 क्लासेस हुई हैं, ठीक है, मतलब एनमैट में हुई थी, यहाँ पे भी होंगी, तो ऐसे करके चीजें होती हैं. अलजेब्रा की 18 क्लासेस, ठीक है. तो एक प्रॉपर में करना तो गाइस देख लो, और मुझे पिंग कर देना नंबर पे, ऊपर नंबर लिखा हुआ है 8604734785, यू कैन पिंग व्हाट्सएप इन दिस नंबर. मैं आपको डिटेल्स डेमो वीडियोस रिव्यू सब भेज दूंगा, और स्टार्ट कर दूंगा प्रिपरेशन, आपका आराम से निकल जाएगा एग्जाम. क्योंकि ये जितने भी एग्जाम होते हैं कैट को छोड़ के, कोई भी एग्जाम नया क्वेश्चन नहीं बनाते हैं,
दे जस्ट पिक द क्वेश्चन फ्रॉम समवेयर, ठीक है। तो वैरायटी लोग बता देती क्या है, अभी स्नैप का भी काफी अच्छे रिव्यूज थे। चलो वैसे एक लग जाओ, SRCC सबको देना चाहिए जिनको इस बार एडमिशन लेना ही है, ठीक है। क्योंकि नो डाउट आपका जितना भी अच्छा जा रहा हो बाकी एग्जाम्स, SRCC दोगे तो आपका बैकअप रहेगा अच्छा, ठीक है। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।